दोस्तों पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिक्स लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिक्स से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रही जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो उसकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच बैंड हो जाती है और उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ने में बहुत तकलीफ होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उसके पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, गिद्धी की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित का, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर उड़ जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपने चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहू लुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंखों का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंखों का, और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीने की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के नीचे दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो इस परेशानियों को लात मार कर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह बनोगे।